कोरोना के खिलाफ जंग में जहां आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार फेस मास्क है, वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान या उपकरण उतने ही जरूरी हैं। लेकिन फेस मास्क या खासकर पीपीई किट को दोबारा इस्तेमाल के लिए रोगाणु रोधी बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने फेस मास्क और पीपीई किट्स के लिए अभिनव जीवाणुरोधी सामग्री विकसित की है। ये सामग्री न सिर्फ वायरस और रोग जनकों से बचाती है, बल्कि इससे बने मास्क और पीपीई किट सिर्फ धूप में रखने से खुद पूरी तरह साफ हो जाते हैं और उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शोध हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका एप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस में प्रकाशित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से हम 2D नैनोशीट, विशेष रूप से मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड नैनोशीट्स का विभिन्न जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में MOS2 नैनोशीट्स उत्कृष्ट जीवाणुरोधी एजेंटों के रूप में उभरी हैं, जिसने हमें इसका उपयोग जीवाणुरोधी PPEs जैसे फेस मास्क के निर्माण में करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो COVID-19 जैसी महामारी में काफी सहायक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने मास्क की लागत कम करने और उन्हें ज्यादा असरदार तथा सुरक्षात्मक बनाने के लिए नैनो सामग्रियों का उपयोग कर रोगाणुरोधी कोटिंग तैयार की है। इस मोलिब्डेनम सल्फाइड नैनोमीटर आकार शीट को फैब्रिक में शामिल किया गया, जिसके धारदार किनारे रोग जनकों को मार देते हैं। साथ ही ये नैनो नाइफ मॉडिफाइड फैब्रिक फोटोथर्मल गुणों वाली है, यानी सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर उसे ताप में बदलती है, जिससे रोगाणु खत्म हो जाते हैं। इस तरह इस अभिनव कोटिंग से तैयार फैब्रिक से बने मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा कवच 5 मिनट तेज धूप में रखने मात्र से फिर पहले जैसे रोगाणु रहित हो जाते हैं। इस तरह मास्क और PPE किट को सुरक्षित तरीके से बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे कचरे की समस्या भी कम होगी। When we study these MOS2 nanosheets under an electron microscope, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन के दौरान हमने MOS2 नैनोशीट में तेज किनारों और कोनों वाले महीन गुच्छों को देखा। ये नुकीले किनारे और कोने सूक्ष्म चाकू की तरह बैक्टीरिया और वायरस की झिल्लियों को भेदते और छिद्रित कर देते हैं। इसीलिए हमने इस नैनोशीट का उपयोग किया और उन्हें सूती कपड़े की सतह पर जमा किया। हमने पाया कि ये नैनोशीट्स कपड़े की सतह पर समान रूप से जमा हो गए थे और कपड़े की सामान्य वास्तुकला खराब नहीं हुई। मास्क या PPE किट इस्तेमाल के दौरान संक्रमित हो जाते हैं और आमतौर पर इन्हें प्रयोग के बाद फेंक दिया जाता है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना रहता है। IIT मंडी के शोधकर्ताओं की ये उपलब्धि एंटी माइक्रोबियल एजेंट बनकर सुरक्षा कवचों को रोगाणु मुक्त रखेगी, जिससे संक्रमण के फैलने पर रोक लगेगी। साथ ही इसके बार बार प्रयोग किए जाने की क्षमता मास्क और PPE किट की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में भी सहायक होगी।